मस्ताने फिल्म का की इतिहास है ते सिखां दे 12 वज गए, ये सिखां दा मजाक उड़ाया जाता वै, इहदी की हसीयत है? अज दी वीडियो दे विच असी इस दे बारे जाणांगे। इस तो पहले दोस्तों की एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। गो सत श्री अकाल दोस्तों, अज अही गल करांगे 18वीं सदी की, जदों भारत ते मुगलां दा राज हीगा। उदों भारत च एक बड़ी वड्डी लुट मचाई गई ही। यह लुट की गई ही नादर शाह वालों। नादर शाह आया ही ईरान तो, उन्हें दिल्ली नू लगभग पूरी तरह तबाह ही करता ही। उदों मुगलों दियां 8 पुश्तां ने जिहड़ा खजाना जमा किया होया ही, उन्हें एक दिन च ही लुट के ते अपने कब्जे च लै लिया ही। इस बंदे ने 10 घंटे च दिल्ली के 125,000 लोग कतल करवाते। भारत दियां उस टाइम दियां वड्डियां वड्डियां ताकतां जिदा मुगल, मराठे ते राजपूत, उन्हां दी हिम्मत नहीं पई ही उहदे नाल मुकाबला करन दी। पर जंगलों च रहिंदे मुठ्ठी भर सिखां ने नादर शाह की फौज नूं हिला के रखता ही। अज असीं इसे ही इतिहास बारे गल करदे हां। नादर शाह ने जिहड़ा भारत ते हमला किया ही, वह किया ही 1739 ईस्वी च। यह वो टाइम ही जदों लाहौर जां कह लो पंजाब के गवर्नर जकरिया खान ने सिखां नूं पंजाब चों खत्म करन दी मुहिम शुरू की हुई ही। सिखां नूं शरेआम तसीहे दे के कतल कर रहा ही। वह इनाम रखे गए सी सिखां दे सिरां दे। सिखां नूं मजबूरन उदों अपने घर बार छड के जंगलां मारसलां च जाना पिया। उदों मुगल ताकत बहे पहलां नालों कमजोर भी हो रही ही। दिल्ली के तखत ते उदों बैठा ही बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला। उहदा कोई ध्यान नहीं भी उहदे राज छल की रहा है। एक नंबर का शराबी ही, वह हमेशा अयाशी च डुबिया रहिंदा ही। जां कह लो भी मुगल बादशाहां चों सब तो कमजोर बादशाह हीगा उह। उदों फिर भारत च एंट्री हुंदी है नादर शाह दी। इन्हें ईरान तो आते हुए ने पहला काबल नूं जितया, फिर जो पंजाब पहुंचा तो अगे इन्हूं पंजाब का गवर्नर जकरिया खान टकरिया। उन्हें अपनी फौज नाल मुकाबला तो किया नादर शाह का, पर उन्हें छेती समझ आ गई भी काम औखा ही है, मैं तो नहीं जित सकता नादर शाह तो। फिर उन्हें करता आत्म समर्पण। नादर शाह ने लाहौर च लुट ना करन दे बदले जकरिया खान को 3 करोड़ रुपया लिया, तो फिर जकरिया खान को पंजाब का राज सौंपया, तो आप तुर पिया दिल्ली वल। उधर दिल्ली बैठे मुहम्मद शाह रंगीला ने नादर शाह नूं सीरीस नहीं लिया ही। उन्हूं हीगा भी ये कित्थे पहुंचन लगा दिल्ली। फिर जदों नादर शाह सरहंद, अंबाला वगैरह नूं जितदा जितदा दिल्ली वल नूं वधी जा रहा ही, तां फिर मुहम्मद शाह रंगीला नूं हत्थां पैरां दी पै गई। उन्हें अपनी एक वड्डी फौज भेजी करनाल वल नूं। कहिंदे आ भी ये फौज 2 मील चौड़ी ते 15 मील लंबी ही। फिर करनाल दी धरती ते इस फौज दा टाकरा हुंदा है कॉन्फिडेंस नाल भरी नादर शाह दी फौज नाल। नादर शाह की फौज के जज्बे तो उन्हों का पूरा इरादा लगता ही भी वह दिल्ली में लुट्टे बिना नहीं मुड़ते। उधर मुगल फौज जिहदा राजा ही मुहम्मद शाह रंगीला, जमा अनुशासन है नहीं ही फौज, उन्हों की कोई रणनीति नहीं, एवें खिलरे मेले वांगू लग रही ही उन्हों की फौज। उदों 2 घंटे च नादर शाह की फौज ने मुगल फौज दियां धज्जियां उड़ा के रखतियां। फिर नादर शाह पहुंचा दिल्ली। उत्थे मुहम्मद शाह रंगीले ने बिना लड़े ही नादर शाह अगे गोडे टेकते, फिर सारा शाही खजाना नादर शाह के हवाले करता। नादर शाह की फौज ने फिर रज के दिल्ली शहर नूं लुट्टिया, लोगों के घर ते दुकाना तहस नहस करके रखतियां उन्होंने। अगले दिन शहर च ये अफवाह फैल गई भी मुहम्मद शाह रंगीले ने नादर शाह नूं मारता है। अफवाह पूरे शहर च जंगल की अग वांगू फैल गई। फिर की होया भी दिल्ली के लोग तो पहले ही नादर शाह की फौज के तशद्दुद ते लुट तो दुखी आए हुए ही। फौज का राजा मारिया गया है, ये सोच के लोगों ने नादर शाह की फौज ते हमला करता। उन्होंने सिपाहियों नूं कुट कुट के उन्हों का बुरा हाल करता। नादर शाह की फौज के कई सिपाही मारे भी गए। जदों गल पहुंची नादर शाह तक तो वह गुस्से नाल नको नक भर गया। उन्हें अपनी फौज नूं दिल्ली के लोगों के कतलेआम का हुक्म देता। फिर की होया भी पूरी दिल्ली च हाहाकार मच गई। कहिंदे ने भी ये कतलेआम 10 घंटे चलिया ही, लहू दियां नदियां बगा के रखतियां ही उन्होंने। 10 घंटे च नादर शाह की फौज ने दिल्ली के 125,000 लोग कतल करते ही, की बच्चे की बुढ़े की औरतां, किसी का लिहाज नहीं किया उन्हां दी फौज ने। इस कतलेआम नूं इतिहास च नादरशाही कतलेआम वजों जाणिया जांदा है। इहदे नाल ही उन्हें 15 करोड़ रुपया नकद, 70 करोड़ के कीमत के हीरे जवाहरात, 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10000 ऊठ लुट के अपने कब्जे च लै ले। नाल ही उन्हें 12000 तो वध औरतां बंदी बना लिया, जिन्हां च ज़्यादातर कुवारियां कुड़ियां शामिल सन। उहदे लुट के माल च 2 मशहूर चीज़ां भी शामिल सन, एक ही गा दुनिया का सब तो महंगा तख्त तख्ते ताउस, ते दूजा ही कोहिनूर हीरा। दिल्ली नूं तहस नहस करके फिर लोगों ते मुगल खजाने नूं लुट के दिल्ली दियां धीआं भैणां नूं बंदी बना के ते नाल लै के नादर शाह फिर दिल्ली तो ईरान वल रवाना हो गया। वापसी दौरान उन्हें पंजाब चों ही लंघ के जाना ही। उन्हें दिल्ली तो निकलन लगे ने पहला ही पंजाब च जकरिया खान नूं सुनेहा भेजता ही भी मेरे आउण तक ना 1 करोड़ रुपया तैयार रखी,
जे ना रखिया तैयार तो राज तेरे को भी खोलना मैं। जकरिया खान को इन्ना पैसा तो है नहीं, उन्हें की किया भी पंजाब की जनता को धक्के पैसे कट्ठे करने शुरू करते। जिदी 1000 रुपये की हैसियत ही उन्हें 10000 रुपया लियाने लिया, जिदी 10000 की हैसियत सी उन्हें कहा जाता भी 50000 रुपया लैके आ। दूजे पासे नादर शाह लुट का सारा माल हाथियां गड्डिया वगैरह से लद के तुरिया होया है। किसी भी होर भारतीय कौम या राजे की हिम्मत ही नहीं पई भी नादर शाह का राह रोकन। जदों जंगलों बैठे सिंघां तक इस लुट ते कतलेआम की खबर पहुंची तो उन्होंने खून उबाले खान लग पिया। उदों सिख कौम की बागडोर नवाब कपूर सिंह के हाथ ही गई। नवाब कपूर सिंह ने की किया भी सारे सिखां नूं जंगल च एक थां इकट्ठे किया। उत्थे इस गल ते चर्चा की गई भी नादर शाह इन्नी वड्डी लुट करके ते भारत की इज्जत हज़ारां औरतां नूं गुलाम बना के लिजा रहा है। जे भारत की किसी भी कौम ने उहदा मुकाबला ना किया तो नादर शाह की सोचूगा भी भारत च किसी की हिम्मत ही नहीं सी मैनू रोकन की। डरपोक रहिंदे आ भारत च, ये अपनियां धीआं भैणां की इज्जत नहीं बचा सकते। फिर सिखां ने नादर शाह की फौज नूं सबक सिखाउण दा फैसला किया ते हमला करन दी तरतीब बनाउण लग पे। जदों नादर शाह की फौज पंजाब पहुंची तो एक थान डेरा ला लिया फौज ने अपना। रात नूं जदों फौज सो रही ही तो सिखां ने जयकारे लाते हुए फौज ते हमला करता। नादर शाह की फौज नूं पता ही नहीं लग्या भी होया की है। फौज के सिपाही अखा ही मलते रह गए, उन्होंने मौका ही नहीं मिलया संभलन का। इस तो पहला कि उन्होंने कुछ समझ आती, सिख कुछ बंदी औरतों छुड़ा के ते उन्हां दा कुछ लुटिया होया माल लुट के उतों निकल चुके ही। उस रात तो उन्होंने पता ही नहीं लग्या भी हमला किया किन्हां ने है। फिर सिखा ने दो अगलिया रातां उन्हां ते हमला नहीं किया क्योंकि उन्होंने छुड़ाए हुए कैदियों ते लुटे हुए माल नूं सुरक्षित जगह पहुँचाना ही। फिर तीसरी रात नूं सिंघां ने नादर शाह की फौज ते हमला किया। सिंघ रात 12 बजे के लगभग हमला करते ही, जिसनों कि अजकल कुछ नासमझ लोग मजाक के तौर पर लेंदे है। ये तीजी रात वाला हमला पिछली वार नालों किते वड्डा ते जबरदस्त सीगा। इस हमले च सिखां ने कैद कीतियां औरतां नूं छड़ाया, खजाने का कुछ हिस्सा भी लुटिया ते उन्हां दे हत्थ हथियारां दा एक वड्डा जखीरा भी लगा। इस हमले च कुछ सिख शहीद भी होए। इस हमले तो बाद नादर शाह का पारा सतवें आसमान ते पहुँच गया। उन्हें जकरिया खान नूं बुला के पूछा भी यार कौन है ये लोग जिहड़े आउंदे ने मेरी फौज नूं धूड़ चटा के माल लुट के लै जांदे ने, औरतां नूं छड़ा के लै जांदे है कौन है ये? मैं दिल्ली का खजाना लुट के आया, उत्थों दे बादशाह ने गोडे टेकिया मेरे अगे, किसी की मेरा रस्ता रोकन की हिम्मत नहीं पई। पर यह मुठ्ठी भर लोग कौन है जिन्ह ने इन्नी हिम्मत की है? मैनू दस भी ये कित्थे रहिंदे है? इन्हां दे घरां दा थां टिकाणा लभ के तबाह कर दे, अग ला के फूक दे इन्हां दे पिंडां नूं। अगों जकरिया खान कहिंदा भी मैं की दसा भी ये कित्थे रहिंदे ने, इन्हां दे घर कित्थे ने? ये तो जंगलों च रहिंदे है, घोड़ियां दीआं काठियां ते ही सौंदे है, जंगल ही इन्हां दा घर ने। थकेवां नींद जां भुख की परवाह ही नहीं करते, ये छोले खा के गुजारा करते है। जदों नादर शाह ने यह गल्लां सुनिया तो अगों कहिंदा भी जिहड़ियां गल्लां तूं मैनूं दसियां ने जे वह सच है ना तो इन्हां दा कुछ कर लै हुणे, नहीं तो यह कौम एक दिन पंजाब ते राज करेगी। जे तू अपना राज बचाउणा है ना तो इन्हां दीआं हुणे जड़ां पुट दे। ये कह के इस तों बाद नादर शाह चला जांदा ईरान नूं। जकरिया खान नादर शाह की गल सुन के घबरा गया। सिखां दा कतलेआम तो वह पहले ही करता ही, हुण उहने सिखां नूं खत्म करन लई होर जोर लाता। कई सिख शहीद किए गए पर सिखां ने झुकना नहीं सी सिखिया कदे। फिर इन्हां सब शहादतां ते जद्दोजहद तों बाद खालसा राज बन सकिया सी। सो ये सी इतिहास उन्हां बहादुर सिंघां दा जिन्होंने उस समय के सब तो खतरनाक ते तगड़े धाड़वी नादर शाह का मुकाबला किया ही ते कई औरतां दी आबरू भी बचाई। वह भी उदों जदों भारत की होर कोई भी कौम नादर शाह के सामने सिर ना चुक सकी सी। सो जे तुहानू ये वीडियो चंगी लगी तो इनू अगे शेयर जरूर करियो ता कि होर लोग इस इतिहास नाल जाणू हो सकन। वीडियो नू लाइक करके चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद। दोस्तों अज की वीडियो के सानू यह पता लगा कि जिहड़े सिंघां दे बारे मजाक उड़ाया जाता ना कि सिखां दे 12 वज गए है, ये कोई मजाक वाली गल नहीं है, सिखां दी बहादुरी है। किस तरह सिखां ने 12 बजे नादर शाह ते हमला किया ते हमला करके लोगों ने औरतों की इज्जत बचाई, किस तरह उन्होंने लुटिया, तुहाडी इस बारे की राय है? कमेंट करके अपनी राय के बारे लाजमी करो।